दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ मोबाइल फोन्स में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, पहले हम सभी लोग कीपैड वाले फ़ोन यूज़ किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे हमको मोबाइल फोन्स में नए नए फीचर, नई नई डिज़ाइन देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, पहले की बात करें तो हम लोग किसी भी फ़ोन की बैटरी को आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन दोस्तों अब हम किसी भी स्मार्टफोन की बैटरी को नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अब सभी स्मार्टफोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे स्मार्टफोन कंपनी ने कई कारण बताए हैं, जैसे कि इनमें फर्स्ट कारण ये है। दोस्तों, कंपनी के मुताबिक जब स्मार्टफोन में बैटरी खराब हो जाती है तो स्मार्टफोन यूजर मार्केट से किसी दूसरे ब्रांड की बैटरी खरीद कर उस स्मार्टफोन में लगा दिया करते थे, जिससे कभी कभी स्मार्टफोन ब्लास्ट भी हो जाया करता था और उससे कंपनी का नाम खराब होता था। लेकिन दोस्तों, अब जब बैटरी खराब हो जाती है तो स्मार्टफोन यूजर्स को बैटरी बदलाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाना पड़ता है, और सर्विस सेंटर पर कंपनी की बैटरी के साथ साथ उसको वारंटी भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, इससे कंपनी को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि लोग मार्केट से दूसरे ब्रांड की बैटरी ना खरीद कर उसी के ब्रांड की बैटरी को खरीदते हैं। और दोस्तों, नॉन रिमूवेबल बैटरी आने से स्मार्टफोन काफ़ी पतले आ रहे हैं, जिससे कि स्मार्टफोन टूटने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। और दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनीज ने नॉन रिमूवेबल बैटरी देने का एक और रीज़न बताया है। उन्होंने कहा है कि हम स्मार्टफोन में बैटरी को इस प्रकार से सख्त तरीके से फिक्स करते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर पानी व धूल जाने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉन रिमूवेबल बैटरी क्यों दी जाने लगी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं।